जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हम देखते हैं और हमारे सामने प्रश्न भी आता है कि भगवान महावीर हुए, जिन्होंने अहिंसा का सर्वोत्तम एक संविधान दिया था, भगवान बुद्ध हुए जिन्होंने करुणा का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया था, योगीराज कृष्ण जिन्होंने अनासक्ति का एक सुंदरतम विश्लेषण किया था, बहुत बहुत महत्वपूर्ण अनासक्ति का, कर्म और अकर्म का एक महत्वपूर्ण दर्शन दिया था, और राम का पूरा जीवन ही एक उदाहरणमय बना हुआ है। इतने इतने बड़े बड़े लोग फिर बाद में भी बहुत हुए हैं, बाद में भी अनेक हुए हैं, शंकराचार्य जैसे, नानक आदि आदि कितने लोग हुए हैं, और जिन्होंने शांति और अहिंसा के बारे में इतना कहा, पर आज भी तो अशांति है, आज भी तो एक आदमी में आक्रामक मनोवृत्ति है, आज भी उत्तेजना है, सब कुछ है, तो फिर क्या फर्क पड़ा? इस प्रश्न पर विचार करें तो पता चलेगा कि कोई भी कार्य व्यक्ति से आगे नहीं चलता, समाज की व्यवस्था भी बनती है तो कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं कि उस व्यवस्था को बदल देते हैं। जैसे हो रहा है, एक सरकार कोई काम करती है, दूसरी सरकार आती है तो उसको बदल देती है, यह तो एक क्रम है, कोई लोह की लकीर नहीं है जो कि बदले नहीं। जब भगवान महावीर ने किया तो अहिंसा का एक वातावरण बना था, परिवर्तन आया था, किंतु अगली पीढ़ी आई, अगली पीढ़ी के लिए तो वह नहीं हो सकता, उस पीढ़ी को फिर कोई तैयार करे, ये तैयार करने की प्रक्रिया निरंतर चले, तब तो वह काम चल सकता है। एक पीढ़ी को अच्छा किया, दूसरी पीढ़ी के अपने आवेश है, अपने इमोशन है, अपना चिंतन है, वह बदल जाएगी जब तक उस पर कोई प्रयोग नहीं किया जाए। इसका कारण है, भीतर में हर व्यक्ति में अपना आवेश होता है, हर व्यक्ति का कषाय अपना अपना है, कषाय का कोई समीकरण नहीं होता, अपना अपना कषाय, और जब कषाय अपना अपना है तो फिर हम उसको आगे कैसे चला सकते, आगे चलाना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए करना होता है कि निरंतर यह प्रक्रिया चालू रहे, हर पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रक्रिया चालू रहे कि हिंसा के कारणों को समाप्त करते रहें, हिंसा के कारणों के प्रति जागरूक रहें, और सबसे बड़ी बात, हिंसा का बड़ा कारण है परिग्रह, परिग्रह के प्रति हमारा दृष्टिकोण सही रहे, बस तो अहिंसा चल सकती है। अगर परिग्रह के प्रति दृष्टिकोण नहीं है सही, तो फिर अहिंसा का विकास हो नहीं सकता। तो इसलिए आवश्यक है कि दृष्टिकोण बदले, धन के प्रति दृष्टिकोण बदले। मैं तो मानता हूं आज की बहुत सारी समस्याओं का समाधान है धन के प्रति दृष्टिकोण का परिवर्तन और धन के प्रति सम्यक दर्शन।
हमारा धन के प्रति सम्यक दृष्टिकोण नहीं है। धन को इतना मान लिया कि उसके सामने कोई भी न संबंध है और न स्वयं है, कुछ भी नहीं है। जब तक यह दृष्टिकोण बना रहेगा तो शायद हिंसा को रोका नहीं जा सकता। मूल प्रश्न तो दृष्टिकोण का है कि दृष्टिकोण कैसे बदले, और इतना गहरा संस्कार हो गया ममत्व का, मेरापन और ममत्व, इतना गहरा संस्कार, आदमी उसके सामने और सब बातें भूल जाता है। अब कुछ बातें आदमी अपनी विस्मृति कर देता है। चाहे हम व्यंग माने, कोई रूपक माने, पर एक अंतर्वृत्ति को एक उजागर करने के लिए बहुत सुंदर रूपक है। एक लड़का बोला, युवक बोला कि मेरा दादा बहुत भुलक्कड़ है, बहुत भुलक्कड़ है। उसने कहा, क्या कौन सी बात है ऐसी, बताओ कोई चमत्कारी बात बताओ ऐसी भुलक्कड़पन की। कि इतना भुलक्कड़ है कि एक दिन आया तो घड़ी को तो अपने पलंग पर बैठने पर रख दिया है, जो सामने घड़ी रखनी मेज थी उस पर जाकर स्वयं बैठ गया। यह पता नहीं रहा कि कहाँ घड़ी रखना, घड़ी को तो सोने के स्थान पर रख दिया, वहां जाकर बैठ गया। उसने कहा, तुम्हारा इतना ही है, देखो मेरे दादा की बात सुनो, बड़ी विचित्र कहानी है। क्या कि आया था बाहर से, घर में थोड़ी देर बैठा, अब वो पान खा रहा था, पीक थूकना था तो वह तो खाट पर थूक दिया और स्वयं नीचे कूद गया। बाहर थूकना था, स्वयं कूद गया, उसको खाट पर थूक दिया। हम इसको चाहे व्यंग माने, रूपक माने, कुछ भी माने, पर इसका निष्कर्ष तो यह निकलता है कि घड़ी का जो मूल्य है वह अपना नहीं है। घड़ी को तो सुरक्षित रखना चाहता है, स्वयं कहीं जाकर बैठ जाता है, स्वयं कूद जाता है, छलांग लगा देता है ऊपर से, पर वस्तु को वह नीचे नहीं डालना चाहता। बहुत ही एक मार्मिक व्यंग है कि आदमी का सारा ध्यान परिग्रह में कैसे अटका हुआ है, कि जहां परिग्रह है वहां स्वयं गौण हो जाता है। अब हम विचार करें कि यह स्थिति है, इस स्थिति को कैसे बदला जा सकता है, इस पर विचार करें। और यह स्थिति क्यों बनती है इस पर भी विचार करें। तो बनने का कारण है कसाय, कसाय, कसाय के कारण सारा ऐसा होता है। जब यौगलिक युग था उस समय हिंसा बहुत कम थी, बहुत कम। यौगलिक युग में जितनी कम हिंसा थी उतनी तो शायद पता नहीं साधु के जीवन में भी कठिन हो जाए, इतनी कम हिंसा। तो इसका कारण क्या कि शांत क्रोध था, उनका क्रोध शांत था, अभिमान भी शांत था, लोभ भी शांत था, और ये सब कसाय की वृत्तियां शांत थी। इसलिए न तो कोई परिग्रह का संग्रह है, न कोई हिंसा, एक साधारण जीवन जीते थे। तो हम इस सच्चाई को समझ सकते हैं कि जब क्रोध उग्र होता है, अहंकार भी प्रचंड होता है, लोक सीमा से परे होता है, तब व्यक्ति को हिंसा की तरफ जाना पड़ता है। हिंसा को कम करने का उपाय है क्रोध, अहंकार, लोभ आदि कसायों पर और उनसे पैदा होने वाली वृत्तियों पर अगर हम नियंत्रण कर सकें, शांत कर सकें। तो फिर अगला प्रश्न है, कैसे करें, क्या ये शांत हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं। होने का साधन ध्यान, ध्यान एक अनुपम साधन है, ध्यान बहुत बढ़िया साधन है,
क्रोध आदि को शांत करने के लिए ध्यान सर्वोत्तम साधन है, स्वाध्याय भी साधन है, पर उसे सर्वोत्तम नहीं कह सकते। इसका कारण कि ये सब पनपते हैं चंचलता के सहारे। चंचलता का आधार मिलता है, क्रोध को बढ़ने का मौका मिलता है, अहंकार को बढ़ने का मौका मिलता है, लोभ को भी बढ़ने का मौका मिलता है। और जब मन की चंचलता कम होती है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है तो फिर क्रोध आगे नहीं आ सकता, क्योंकि चंचलता का सहारा चाहिए, वो चंचलता के बिना आ नहीं सकता। किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा हो, हर एक मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए श्वास को रोक दे, क्रोध नहीं आ सकेगा। क्योंकि क्रोध जिस वाहन पर चढ़कर, जिस कार पर, बहुत बढ़िया कार जिस पर चढ़कर आ रहा था, उस कार को तो ढकेल दिया, अब बेचारा पैदल चल नहीं सकता, कैसे आएगा। श्वास को शांत करें, मंद करें, अथवा श्वास का संयम करें, कुंभक करें, क्रोध आता आता रुक जाएगा। साधन विहीन हो गया क्रोध, बिना साधन अपने पैरों से चलता नहीं। ये जितने कसाय हैं ये सब पंगु हैं, अपने सहारे नहीं चलते, दूसरे पर चढ़कर, दूसरे के कंधे पर चढ़कर चलते हैं। और जब कंधा दे रही थी चंचलता, और जब हमने श्वास प्रेक्षा के द्वारा चंचलता को कम कर दिया, मन की चंचलता को, तो बेचारे कैसे करेंगे। बहुत अच्छा उपाय है, किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा हो और वह आधा मिनट के लिए नाक बंद कर ले, श्वास को रोक ले, कुंभक या श्वास संयम करें, तत्काल क्रोध वहीं ठहर जाएगा, आगे आ नहीं सकता। क्योंकि कैसे चलेगा, पंगु है वह चलेगा कैसे बिना सहारे के, चल नहीं सकता। तो उसका, इसीलिए मैंने कहा इसका सर्वोत्तम उपाय है ध्यान। और ध्यान का मतलब चंचलता को कम करने का अभ्यास। सारी चंचलता एक साथ नहीं मिटती, पर हम अभ्यास शुरू करें कि चंचलता कैसे मिटे। और जब अभ्यास शुरू करते हैं कठिनाइयाँ भी आती है, और चंचलता का प्रतिरोध भी होता है। बार बार इतने विचार आने लग जाते हैं। अनेक भाइयों ने बताया कि जब हम घर में बैठे होते हैं, दुकान पर बैठे होते हैं, कहीं भी बैठे होते हैं, इतने विचार नहीं आते, जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं एक साथ विचारों का तांता शुरू हो जाता है। ये क्या, मैंने कहा ये तो बहुत स्वाभाविक है, चंचलता से तुम्हारा इतना परिचय है, इतना परिचय, इतनी गाढ़ मैत्री, और तुम्हारे साथ चंचलता रह रही है, अब एक साथ तुम बाहर निकालना चाहो तो वह प्रतिरोध तो करेगी। कि किसी 10 वर्ष वाले किराएदार को भी घर से निकालना चाहो तो वह लड़ाई झगड़ा करेगा। तो भला चंचलता तो इतनी पुरानी हो गई, पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों से तुम्हारे बराबर साथ चल रही है, अब तुम उसे निकालने का प्रयत्न करो, क्या प्रतिरोध नहीं होगा। बहुत स्वाभाविक है, प्रतिरोध होगा। अब परीक्षा वही होती है, तो अगर विचार आए, ध्यान में बैठे विचार बहुत आए, तुम हिल गए तो चंचलता सफल हो गई। तुम पक्के रहे कि कोई भी विचार आए, आते जाएं, मैं देखता रहूंगा, देखता रहूंगा, उनमें डूबूंगा नहीं, तो तुम सफल हो जाओगे, चंचलता का आसन हिल जाएगा। चंचलता जब आती है, विचार बहुत आते हैं ध्यान करते समय, निर्विचार अवस्था एकदम प्राप्त नहीं होती, बहुत कठिनाई से निर्विचार अवस्था हमें प्राप्त होती है। अब चंचलता आती है, बस उस समय सावधान रहने की जरूरत है। प्रेक्षा का मतलब यह देखना, देखो देखो, बस विचार आया, विचार को रोको मत, विचार को भी देखने लग जाओ, विचार को देखो, रोकोगे तो और उल्टी प्रतिक्रिया होगी। किसी को रोको मत, देखने लग जाओ, जब देखोगे तो चंचलता को लगेगा कि व्यक्ति अब जागरूक हो गया है, वह भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी।
ध्यान के समय विचार आते हैं, श्वास पर ध्यान दो अथवा विचार प्रेक्षा करो, विचार को देखना शुरू कर दो। एक प्रयोग है विचार प्रेक्षा, जो भी विचार आ रहा है उस विचार को पढ़ना शुरू कर दो। जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है और प्रारंभ से ही जब वर्णमाला सीखता है, ए बी सी डी या क ख ग ड़ सीखता है, तो एक एक अक्षर बोलता है क ख ग घ ङ। ऐसे ही जो विचार आए तो उस विचार को, मान लो विचार आ रहा है कि अब मुझे भोजन करने जाना है, जो विचार आया ध्यान करते समय, तो उस विचार को देखना शुरू करो, ए व मुझे भोजन करने जाना है। एक एक अक्षर को पढ़ना शुरू कर दो। नया सीखुआ नव सीखुआ बच्चा जैसे एक एक अक्षर को पढ़ता है, वैसे पढ़ना शुरू करो, देखना शुरू करो। आश्चर्य होगा कि दूसरे क्षण विचार गायब। सोचेंगे, वे सोचेंगे कभी मालिक जाग गया है, अब चोरी नहीं हो सकती। घर का मालिक जागता है, चोरी नहीं हो सकती, वे भी अपना आना बंद कर दें। यह एक अनुभव का प्रयोग है, स्वयं अनुभव करके देख लें कि जो भी विचार आए ध्यान करते समय, जैसे ध्यान में प्रयोग कराया कि केवल श्वास को देखो, श्वास परीक्षा का अभ्यास करो, केवल श्वास को देखो, ध्यान नथुने पर भीतर प्रारंभ में वहाँ केंद्रित करो, आते जाते प्रत्येक श्वास को देखो कि श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, प्रत्येक श्वास की प्रेक्षा करो, प्रत्येक श्वास को देखो और एक भी श्वास जानकारी के बिना न आए और न जाए, हर श्वास को देखना है। किंतु श्वास को देखना शुरू किया और इतने में तो दुकान दिखनी शुरू हो गई और कुछ दिखना शुरू हो गया, क्योंकि संस्कार जमा हुआ है और तुम देखना चाहते हो श्वास को, संस्कार जमे हुए वस्तु को देखने का, पदार्थ को देखने का अभ्यास रहा है तो वह सामने आने लग जाएगा, एक बार छूट भी जाएगा। किंतु जैसे छूटे और फिर से सावधान बन जाओ कि मुझे श्वास देखना है, फिर शुरू कर दो, यह कुछ देर तक चलेगा। कभी श्वास, कभी पदार्थ, कभी व्यक्ति सामने आते जाएंगे, किंतु लक्ष्य पक्का है, दृढ़ निश्चय है कि मुझे श्वास को देखना है और चंचलता को कम करना है, एकाग्रता का विकास करना है, तो देखना शुरू करो। और देखते देखते जब दृष्टा बन जाओगे, दृष्टा देखने वाला दृष्टा बन जाओगे, तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन के बाद ऐसा होगा कि देखना तो प्रमुख बन जाएगा और विचार कम हो जाएंगे। कभी कभी आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ सकता है, पर विचारों का सिलसिला नहीं बनेगा, तांता नहीं बनेगा और विचार कम हो जाएंगे। तो ये देखना, ये चंचलता को कम करने का बहुत बड़ा उपाय है। श्वास को देखें, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, और जब चंचलता कम होगी इसका मतलब है कि सैकड़ों बीमारियों का एक इलाज, एक साथ समाधान। चंचलता के कारण आदमी कितना दुख भोग रहा है, शायद चिंता नहीं करता। मैं बहुत बार पूछता हूँ कि दुनिया में दुख ज़्यादा है या सुख ज़्यादा है, पता नहीं मेरे सामने बैठे लोग क्या कहेंगे, पर बहुत बार लोग बता देते हैं कि दुनिया में दुख ही दुख है, सुख है कहाँ, सारा दुख ही दुख तो है। पर सच्चाई ये नहीं है, दुनिया में सुख ज़्यादा है, दुख तो बहुत कम है। आदमी जितना भोगता है वह अपनी चंचलता के कारण दुख को बढ़ा देता है। अगर चंचलता को कम कर दे और मन को एकाग्र रखना सीख जाए, तो वह व्यक्ति कह सकेगा कि
इस दुनिया में दुख तो बहुत कम है, सुखी सुख है, दुख है कहाँ, कभी खोजना पड़ेगा। जैसे कायोत्सर्ग के समय कभी कभी खोजना पड़ता है कि मेरा शरीर कहाँ चला गया। अनेक बार मेरे सामने भी ऐसे प्रसंग आए। और प्रसिद्ध बात है, जापान का एक साधक जो वहाँ एक जैन संप्रदाय है, ध्यान संप्रदाय का एक साधक साधना कर रहा था, और साधना कायोत्सर्ग की साधना में शरीर का शिथिलीकरण इतना कर लिया कि शरीर का भान ही छूट गया, देह में रहता हुआ विदेह बन गया, और इतना भान छूट गया जैसे लगिमा की सिद्धि होती है, इतना हल्कापन आ गया। तब वह वहाँ बैठा बैठा बोला, अरे आओ आओ, अपने साथियों से कहा आओ आओ। बोले क्यों? कि मेरा शरीर कहाँ चला गया, खोज कर लाओ, शरीर को खोज कर लाओ कि कहाँ चला गया। जब यह स्थिति बनती है तो फिर एकाग्रता की साधना करने वाला भी कहेगा, अरे कहते हैं इतना दुख है, कहाँ है दुख, मुझे बताओ दुख है कहाँ, कहाँ मिलता है दुख, कहाँ मिलता है? पाली में मिलता है, जोधपुर में मिलता है, आगे जाए तो दिल्ली में मिलता है, मुंबई में मिलता है, कहाँ है दुख है कहाँ, कोई स्थान नहीं मिलेगा। चंचलता ही दुख को पैदा करने वाली या बढ़ाने वाली है। पैदा तो करने का कारण कसाई है ही, पर बढ़ाने वाली कौन? आचार्य सोमप्रभ ने किसी प्रसंग में कहा, हम उसको अवतरण कर सकते हैं, कि कवि एक काव्य बनाता है, उसको बढ़ाने वाला कौन? फूल में सुगंध है, उसको फैलाने वाली कौन? हवा। हवा फूल को फैलाती है, दूर तक ले जाती है। तो दुख को फैलाने वाली कौन? ये चंचलता, ये फैलाने वाली, विस्तार देने वाली है। अगर ये चंचलता न हो तो उसे विस्तार नहीं मिल सकता। इसलिए हम उपसंहार करें कि समाज का आधार है अहिंसा, हिंसा का कारण है व्यक्ति का अपना भीतर परिग्रह, और परिग्रह भीतर का दोष है, और वह व्यक्ति को चंचल बनाता है। सारी चंचलता परिग्रह से जुड़ी हुई है। वह प्रसंग आता है भिक्षु स्वामी के समय का भी, कि सामायिक में आकर बैठ गए, और सामायिक के बाद याद आया कि 2000 रुपया की थैली थी वह तो मैं बाहर ही भूल गया। अब सारी चंचलता बढ़ गई, सामायिक का गायब हो गया, सारी चंचलता कहाँ, सामायिक कहाँ चली गई, पता ही नहीं चला, उस थैली में ही ध्यान अटक गया। तो चंचलता बढ़ाने का बहुत बड़ा एक हेतु है परिग्रह है, और परिग्रह समस्या पैदा कर रहा है। अब उस परिग्रह को कम करने की, उसकी वृत्ति को कम करने का उपाय है ध्यान, एकाग्रता। एकाग्रता, इसलिए ध्यान करने वाले व्यक्ति चंचलता की समस्या को और ध्यान के महत्व का मूल्यांकन करें, एकाग्रता का मूल्यांकन करें, तो फिर ध्यान के अर्थ को समझने का अवसर मिलेगा और जीवन को सुखमय बनाने का साधन मिलेगा, कि किस प्रकार हम मन की एकाग्रता को साध कर अनेक समस्याओं, अनेक दुखों से छुटकारा पा सकते हैं और एक आनंदमय और अहिंसा का, शांति का जीवन जी सकते हैं। ओम आर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे।